पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक अंकित शर्मा के नेतृत्व में वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जाकर दग्गा मार वाहनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि बिलारी से मुरादाबाद की यातायात व्यवस्था में चल वाहन पूर्णतः अवैध है, जो सवारियों से अवैध वसूली करते हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अवैध रूप से चल रही गाड़ी को बंद करके एक नए सिरे से शासन द्वारा उचित गाड़ियां चलाई जाएं। ज्ञापन देने वालों में विवेक शुक्ला, दिलीप शुक्ला, रविन्द्र सिंह, प्रशांत चौहान, अंकित शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हमने ये दग्गा मार वाहन के खिलाफ जिलाधिकारी महोदयों को ज्ञापन दिया है, क्योंकि बिलारी से मुरादाबाद रोड पर कुछ अवैध बसें चल रही हैं जिनका ना कोई परमिट है। उसमें कुछ का तो परमिट है और कुछ का परमिट नहीं है। उसमें क्या है, वो लोग डायरेक्ट जो है बसें जो चला रहे हैं वो बिलारी से मुरादाबाद के लिए चला रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए वो बसें रास्ते में जहाँ भी मतलब कोई भी छोटी छोटी जगह स्टॉपेज पड़ते हैं वहाँ पर रुकनी चाहिए। और हमने इसमें पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कुछ लोग वहाँ पर अवैध वसूली भी कर रहे हैं, जो कि बसों से पर डे का कुछ पैसा ले रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग उठाई गई? ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग ये उठाई है कि जल्दी से जल्द वो बसें बंद करी जाए।